अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हम आपको अपने चैनल डार्क इंजीनियर में खुश आमदीद कहते हैं। जैसे आपके आपको पता ही है कि हमारा चैनल बेसिकली कंप्यूटर कोर्स से रिलेटेड है, और हर वो चीज़ जो कंप्यूटर से जुड़ी हुई है, हर वो टॉपिक जो कंप्यूटर से जुड़ा हुआ है और आपको समझ में नहीं आ रहा, तो हम यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश करेंगे और इंशाल्लाह समझाएंगे भी। तो कोर्स पे, लेक्चर पे, टॉपिक पे जाने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली हमारे चैनल डार्क इंजीनियर को सब्सक्राइब करके साथ दिए गए बेल आइकन पे क्लिक कर दें ताकि हर आने वाला वीडियो आपको बरवक्त मिल सके। अच्छा, पिछले लेक्चर में हमने मॉड्यूल 193 पढ़ा था, जिसमें हमने पैराग्राफ ग्रुप को देखा था। आज के लेक्चर में हम देखेंगे स्टाइल ग्रुप को, कि हमारे पास एमएस वर्ड में स्टाइल ग्रुप क्या होता है। द फोर्थ ग्रुप ऑन द होम रिबन इज द स्टाइल ग्रुप। ये चौथा ग्रुप होता है हमारे पास। पहले में हमारे पास क्लिप बोर्ड, फिर हमारे पास फॉन्ट, फिर पैराग्राफ, और चौथा हमारे पास है स्टाइल ग्रुप। स्टाइल ग्रुप हमारे पास क्या करता है? स्टाइल्स आर अ कलेक्शन ऑफ फॉर्मेटिंग ऑप्शन दैट यू कैन अप्लाई टू अ टेक्स्ट। ये हमारे पास फॉर्मेट ऑप्शन होता है जो हम एक टेक्स्ट पे अप्लाई करते हैं कि हमारी डिजायर्ड के मुताबिक टेक्स्ट तैयार हो जाए, या हमारे पास जो रिक्वायरमेंट है हमारी उसके मुताबिक जो हमारे टेक्स्ट हैं या कोई पैराग्राफ है वो डिजाइन हो जाए। व्हेन यू यूज स्टाइल टू फॉर्मेट योर डॉक्यूमेंट, यू कैन क्विकली एंड इजीली अप्लाई सेट ऑफ फॉर्मेटिंग चॉइसेस कंसिस्टेंटली थ्रू आउट योर डॉक्यूमेंट। मतलब अगर कोई भी हमारे पास डॉक्यूमेंट है, हम उसमें हम इजीली इसको चेंज कर सकते हैं जो हमारे रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो हमारे पास स्टाइल्स होते हैं, हम इजीली थ्रू आउट द डॉक्यूमेंट चेंज कर सकते हैं। चलो इसको ज़रा देखते हैं प्रैक्टिकल करके कि हम कैसे हम चेंज कर सकते हैं और कैसे हम अप्लाई कर सकते हैं। तो इसको मैं मिटा देता हूँ। मेरे पास एक पैराग्राफ है, उसको रन करके देखते हैं और देखते हैं क्या होता है हमारे पास। बल्कि इसको मैं न्यू ओपन कर देता हूँ आपके लिए। मेन वर्ड दोबारा हम ओपन कर चुके हैं, वही पैराग्राफ हम दोबारा टाइप कर लेते हैं। मेरे पास ये पैराग्राफ आ गया। अब इसको मैंने अगर क्लिक किया, पहले तो मैं इसको जस्टिफिकेशन सिखा देता हूँ। अब पैराग्राफ में से पैराग्राफ को सबसे पहले आपने जस्टिफाई करना है, ये सबसे अहम पॉइंट होता है। ताकि अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऑफ और एंड और कोऑर्डिनेट में थोड़ा सा मतलब फासला बराबर नहीं आ रहे। इसको जस्टिफिकेशन के लिए पूरे पैराग्राफ को सिलेक्ट करेंगे आप, और फिर आप जो आखिर वाला है हमारे पास जस्टिफाइड, इस पे आप क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे आप देखिए सबका लेवल राइट से भी लेफ्ट से भी एक हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि यार मुझे ये नॉर्मल नहीं चाहिए, मुझे ये वाला स्टाइल चाहिए, स्टाइल चेंज करना जिसमें स्पेसेस ना हो। चेंज हो गया। अब दोबारा मैं चाहता हूँ कि हेडिंग के साथ हो जाए। अब यहाँ पे मैं हेडिंग भी दे सकता हूँ कि फॉर एग्जांपल ये एक एक इबारत बन गई है, एक एक पैराग्राफ बन गया। फिर मैं हेडिंग टू देता हूँ, हेडिंग टू से थोड़ा छोटा होता है, हेडिंग थ्री थोड़ा उससे भी छोटा होता है, हेडिंग फोर उससे भी छोटा होता है। और मतलब हर एक स्टाइल चेंज, हर एक में स्टाइल चेंज होता है हमारे पास। अब अगर हेडिंग टू को आप देख लेते हैं तो इसमें कॉमर्स वगैरह अपनी जगह पे इंसर्ट हो रहे हैं, और हेडिंग फोर में भी हो रहे हैं, हेडिंग फाइव में भी, मतलब नॉर्मल पोजीशन पे आ गए लेकिन जस्टिफाई नहीं हुआ। तो हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल हमें सब टाइटल्स वाला चाहिए कि हेडिंग हमारी कोई और हो, सब टाइटल हमारे चल रहे हैं जैसे मूवीज में होता है। यहाँ पे अगर मुझे चाहिए स्पेसिंग वाला और थोड़ा सा ब्लर सा, तो यहाँ से हम चेक कर सकते हैं। तो ये तो ओवरऑल ओवरव्यू स्टाइल ग्राफ का, स्टाइल ग्रुप का। स्टाइल ग्रुप में हम जितने भी हमारे पास ग्रुप्स होते हैं, पैराग्राफ है, हम उसमें जितने भी कमांड होते हैं, फॉर एग्जांपल हमें हेडिंग वाला चाहिए, हमें सब टाइटल वाला स्टाइल चाहिए, हमें स्पेसेस रिमूव वाला चाहिए, हमें छोटा पैराग्राफ चाहिए, अगर लेंथी हो तो उसको छोटा कैसे करना है, स्पेस उसकी रिमूव कैसे करनी है, अगर छोटा हो तो हमने उसकी स्पेसिंग कैसे देनी है, फॉन्ट कैसे बड़े करने हैं, वो सारा हमारा इस पर डिपेंड करता है। तो हम ये यहाँ से स्टाइल ग्रुप से हम चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर इसको मैं चेक कर दिखा देता हूँ तो ये कलर भी चेंज कर लेता है और उसी मुताबिक पूरे पैराग्राफ को भी चेंज कर लेता है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, ये स्टाइल के लिहाज से। इंशाल्लाह अगले में हम एडिटिंग को पढ़ेंगे तो हमारा रिबन कंप्लीट हो जाएगा। अगर इस लेक्चर में आपको कोई बात समझ में नहीं आई तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और यहाँ पे जो इन्होंने डिटेल दी हुई है, इस डिटेल में भी यही बताया गया है कि आप क्या कर सकते हैं। स्टाइल इज अ सेट ऑफ फॉर्मेटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज फॉन्ट नेम, साइज, कलर, पैराग्राफ अलाइनमेंट एंड स्पेसिंग, सम स्टाइल्स इवन इंक्लूड बॉर्डर्स एंड शेडिंग। मतलब इसमें यही बताया गया है जो हमने यहाँ पे जो ऊपर आपको नजर आ रहा है, इसमें जो चार पांच या छह सात हमने स्टाइल या सात छह सात हमने ट्राई किए हैं वो उस एक ही पैराग्राफ पे किए, और हर स्टाइल पे अलग अलग रिजल्ट हमारे पास शो होना शुरू हो गया था। तो हम यहाँ से भी कर सकते हैं और हम मैनुअली भी कर सकते हैं कि हम मैनुअल अपने मतलब एडजस्टमेंट खुद करें बजाय इसके कि हम स्टाइल्स को यूज करें। क्यों? क्योंकि स्टाइल में समटाइम आपके लिए मतलब जो रिक्वायरमेंट होती है वो सही नहीं होती जो आप चाहते हैं, तो हम यहाँ से मैनुअली खुद ही सिलेक्ट कर
सकते हैं कि नहीं यार यहाँ पे स्पेस ज्यादा होनी चाहिए, इस लाइन में ज्यादा होनी चाहिए, ये जस्टिफाई होना चाहिए, तो इस तरह हम सेट कर सकते हैं सारा। तो ये था आज का हमारा लेक्चर स्टाइल के लिहाज से। अगर आपको इसमें कोई बात समझ में नहीं आई हो या कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।